कनकिया में हूँ और आज देखिए हमारे पीछे माता वैष्णो देवी के काली के अवतार यहाँ पर है, साईं बाबा का मूर्ति है, हमारे शनि महाराज का भी है, हनुमान जी का है, शंकर भगवान का है और इस मंदिर के जो हमारे मालिक और कर्ता धर्ता हमारे सुरेश गुरु जी यहाँ उपस्थित है। आज शायद गुप्त नवरात्रि है, तो मैं चाहता हूँ कि गुरु जी गुप्त नवरात्रि के बारे में सबसे पहले हमें दर्शकों को बताएं कुछ और हम लोग क्यों उपस्थित हुए इस बारे में थोड़ा जानकारी दें। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में चार नवरात्रि होते हैं, दो गुप्त नवरात्रि होता है और जो दो नवरात्रि होता है, एक अश्विन के शुक्ल पक्ष में, एक चैत्र के शुक्ल पक्ष में, हम सभी लोग जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे अप्रैल में और एक नवंबर में। दो नवरात्रि तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है, गुप्त का मतलब होता है गुप्त साधनाओं के लिए होता है, हर कार्य सिद्धि के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यह नवरात्रि है। इसमें यह एक माघ के शुक्ल पक्ष में यानी जनवरी में गुप्त नवरात्रि होती है, एक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में होती है, ये जो जुलाई में होती है। तो आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हम सब लोग गुप्त नवरात्रि के दिन माता को सबसे ज़्यादा प्रिय जो है नीम का झाड़ है और गुड़हल का फूल है। तो आज हमारे मीरा भाईंदर के बहुत ही लोकप्रिय कार्य सम्राट नगर सेवक श्री विजयराज जी एवं श्रीमती नीला मैडम जी हैं, उनके द्वारा आज सहयोग से भोजपुरी गिनीज विनय अवार्ड के सहयोग से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और बहुत ही सौभाग्य का उससे भी और अच्छा दिन है कि भोजपुरी समाज मतलब हमारा दिल हमारा हृदय जिसके बहुत ही अच्छे सुपरस्टार हमारे प्रिंस सिंह जी आए, भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही अच्छे जो और डायरेक्टर हमारे अजय कुमार जी हैं और संजय भूषण पटियाला जी, जो ये बहुत बड़ी बात है कि भोजपुरी में कोई छोटा सा भी एक्टर होता है उसके लिए प्रयास करते हैं कि वो कितना आगे जाए, यही हमारे उत्तर भारत समाज का बहुत बड़ा यह प्रेम होता है कि हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और इस सिनेमा में सपोर्ट करते हैं आगे ले जाने में संजय भूषण जी को। प्रिंस जी, हम चाहते हैं प्रिंस जी कुछ बताएं कैसा लगा यहाँ आकर के आपको। जी, मैं ऐसे भी माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और देखिए माँ ने अपने दरबार में बुला लिया, आज पहला नवरात्रि है, पहला दिन जी, यहाँ पे ग्रीन भोजपुरी सिनेमा अवार्ड के आयोजक हाँ विजय पांडे जी ने आज यहाँ वृक्षारोपण भी रखा हुआ है, तो अच्छा माहौल है। हमारे डायरेक्टर अजय कुमार जी कुछ कहना चाहेंगे मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जय माता दी। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। अपने बीच में आए हैं, हमारे बीच में आइए आइए आइए, अमित जी का स्वागत किया जा रहा है हमारे सुरेश गुरु जी के द्वारा, मास्क निकाल रहे हैं। मीरा रोड में ऑक्सीजन ज़्यादा मिले लोगों को, ऑक्सीजन कम, नीम का पेड़ सबसे ज़्यादा, नीम का पेड़ लगा रहे हैं, कड़वा है लेकिन बहुत मज़ेदार है, हर रोग को भगाता है वो। हाँ, सबसे पहले मीरा रोड में आप लोग आए धन्यवाद और गुरु जी और इस मंदिर इस प्रांगण में साचे दरबार की जय हो। और मैं सबसे पहले बता दूँ कि आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस है, तो उस जनसंख्या नियंत्रण दिवस के उपलक्ष्य में जो आज वृक्षारोपण किया जा रहा है, सभी से गुजारिश है कि जनसंख्या को बिल्कुल नियंत्रण में रखना है और हमें अपने वृक्षों को जनसंख्या बढ़ानी है। तो बहुत ही अच्छा कार्य हमारे पांडे जी जो कि ग्रीन सीनियर अवार्ड और संजय भैया जी अजय भैया इत्यादि सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि इस जनसंख्या दिवस पर आज हम एक प्रण लेते हैं कि हम इस दिवस पे कम से कम अपने हाथों से वृक्ष का रोपण करें और इस वृक्ष रोपण के साथ हम अपना वृक्ष जनसंख्या दिवस बढ़ाएं। धन्यवाद। आप माता जी के मंदिर में आए हैं और आपकी एक मूवी भी आ रही है माता जी के नाम से, कुछ बताएं दर्शकों को कब तक आएगी। हाँ, जय माँ विंध्यवासिनी मैंने एक फिल्म की और बहुत ही अच्छी है, चर्चे में भी है और उसका पोस्ट लगभग कंप्लीट हो गया, जल्द ही आप लोगों को किसी बड़े चैनल की माध्यम से देखेगा उसका ट्रेलर और सिनेमा भी। और माँ की गणना मैं जितना करूँ उतना कम है क्योंकि माँ ही एक ऐसा शब्द है कि संसार का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा धन है, तो अगर मैं उस धन और सुख में सम्मिलित हूँ, कहीं अगर अस्तित्व बन रहा हूँ, किसी पिलर की तरह मैं खड़ा हूँ, तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जिस तरह आज मैं इस प्रांगण में खड़ा हूँ। यूपी में इन दिनों फिल्मों की शूटिंग बहुत हो रही है, योगी जी का कहना है कि अब आधे से ज़्यादा फिल्मों को
सब्सिडी नहीं मिलेगी जो अश्लील है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही है, अश्लील फिल्मों को मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अलग तरीके से चीज़ों की टीआरपी उठाना चाहते हो तो सही तरीके की आप क्यों अपेक्षाएँ लगाते हो। तो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, और उनके नहीं, उस अश्लीलता जो गलत चीज़ों के तरफ से आप अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनके एकदम विरोध में हूँ। और मैं सही चीज़ें बनाइए, अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपनी धारणाओं को लेके आइए और अपने कल्चर को दिखाइए। बिल्कुल सब्सिडी क्या बहुत कुछ मिलेगा, सब्सिडी तो बहुत छोटी बात है। एक आखिरी सवाल, अमरीश जी के सपने में तो कोई नहीं आता है ना? हाँ आता है ना, मेरे सपने में वो लोग आते हैं जो मुझे बहुत डराते हैं, जिससे सच्चे तो ये सपने में मेरे वो आते हैं जो मेरे बहुत प्रिय होते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ जीवन भर मेरे वो सपने में आए, क्योंकि इसी बहाने कम से कम मैं सपना साकार कर पाऊँ। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो नहीं आते हैं, कोई हीरोइन वगैरह? प्रोड्यूसर डायरेक्टर सपने में जब आते हैं जब पेमेंट नहीं देते हैं। तो बात यह है कि सभी प्यारे हैं, और आज इंडस्ट्री है जो कि आज हमें यहाँ पहुँचाई है, आज हमें लोग जानते हैं, आज उनके बदौलत हम और हमारी परिवार और हमारे लोग अच्छी मुहिम की तरफ चल रहे हैं। तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ इस भोजपुरी परिवार को, इस समाज को, उस प्रोड्यूसर को, उस डायरेक्टर को, सभी को नमन करता हूँ कि यूँ ही सिनेमा बनाए और लोगों के दिल और विचार में से छाए। प्रिंस जी आपसे एक सवाल है कि भोजपुरी बाहुबली के नाम से आप मशहूर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक इन्होंने 1000 मर्डर कर चुके हैं, अभी जीवान गए ना। बाहुबली यही नहीं होता कि जो मर्डर करता है बाहुबली करता है, मारता वही नहीं होता, गरीबों का मसीहा भी बाहुबली। हमारे दर्शक ने नाम दिया, हमारे ऑडियंस नाम दिया बाहुबली। आप फिल्में करते हैं, आपकी फिल्में नरसिम्हा आ रही है, मैंने उसका कुछ सीन देखा है, एक बाहुबली के रूप में ही नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और भगवान वैसे ही पर्सनैलिटी दिए तो हम क्या करें, सारे लोग बाहुबली के नज़र से ही देखते हैं, कई लोग तो खौफ से डर भी जाते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं। इंडस्ट्री या इंडस्ट्री से बाहर? इंडस्ट्री मैंने इंडस्ट्री से बाहर ही सब करता हूँ, इंडस्ट्री तो हमारा परिवार, इंडस्ट्री एक परिवार है, सब मिलजुल के काम करते हैं। इंडस्ट्री से मेरा प्रिंस का एक अलग जलवा है, बाहुबली का नाम है लेकिन उससे भी बड़ा दिल इनका समाज सेवा का। आप भी कुछ बताना चाहेंगे कि आपके सपने में कौन आता है? सपने में मेरे सामने लड़कियां सब आती है और कौन आएगा? चलिए धन्यवाद प्रिंस जी, थैंक यू सो मच। तुम्हें मारी फोन आपका लगाना तो मैं लगा दूंगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। मीरा भंडार शहर का सबसे बड़ा गार्डन में इलेक्शन लड़ना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, दो बच्चे, इससे ज्यादा अगर सब मिला कोई भी सेवाएं नहीं ले सकते आप। तो जो हो गया हो, आज से लागू होने वाला है ना? हाँ आज से, आज से जनसंख्या नियंत्रण दिवस। नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नीला मैडम है, यहाँ के कॉर्पोरेशन नगर देवता है, विजय राय जी हैं, ये नगर देवक यहाँ के। थैंक यू। इधर चलते हैं ना, जहाँ लगाना है यहाँ पर है। अच्छा यही फोटो मैंने बांधे। बीमारियों को, सभी समस्याओं को खत्म करता है। अब यहाँ पर मैडम को हेलो प्रिंस सर, प्रिंस जी आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग पेड़ लगाने के उद्देश्य यहाँ पहुँचे हैं गार्डन में। जी बिल्कुल, जैसे कि ग्रीन भोजपुरी सिनेमा अवार्ड जो कि हर साल अवार्ड कराता है, आज उसके द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण का एक मौका मिला है। हम सारे भाई लोग आए हुए हैं जो कि आज सबको जरूरत पड़ा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो आज सारे लोग जुड़े हुए हैं पेड़ पौधे लगाने में। जो काटते हैं उससे मैं आग्रह करूँगा कि काटने से पहले उसको सोचिए, ऑक्सीजन के बारे में सोचिए, पहले पेड़ लगाइए फिर काटिए। तो एक हमारे विजय पांडे जी ऑर्गेनाइजर हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके ही द्वारा सब ये किया जा रहा है, तो हम लोग सब आज मौजूद हैं। अजय जी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार करेंगे यहाँ नगर सेविका जी को भी और नगर सेवक जी को। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि हम इंसानों से हमेशा एक गलती होती आ रही है, जो चीज़ प्रकृति ने हमें फ्री दिया है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आज महामारी के टाइम में 2020 इंसानों को इस तरह से आंखें खोली है कि
कि तुम्हारे पास अगर ऑक्सीजन मैं नहीं दूं तो कहाँ रहोगे, कहाँ जियोगे और कैसे मरोगे, ये दिखाया गया है। हम डेली समाचारों में देखते हैं। अब भी समय है लोगों के पास, हमारे दोस्तों के पास, हमारे पब्लिकों के पास कि आंखें खोलो, अपने परिवार को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने देश को बचाओ। देश के साथ साथ मैं कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड को, विश्व की ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो ये मैसेज सबको जाना चाहिए। तो आप डायरेक्टर हैं, भोजपुरी सिनेमा के, हिंदी फिल्म बना चुके हैं, कोई सिनेमा में कुछ इस तरह का संदेश देते हैं पेड़ लगाने के लिए? सर मैंने एक फिल्म किया है सैया सुपरस्टार, उसको 65 लाख सब्सिडी मिला है, गवर्नमेंट ने दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि हम किस पहलू पे पिक्चर बनाए होंगे जिसको सब्सिडी 65 लाख रुपया दिया जाता है। तो सारी चीज़ें दिखाया गया उसमें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर ही हूँ। अरे मैं यहीं हूँ। लगा के रखना बेटा, वीडियो लगा के रखना। एक घंटा यहाँ के लिए। ये क्या फ्रेंड्स है? ये भी ले लीजिए इधर। ये भी ले लीजिए। हाँ हाँ। पूरा गार्डन का। गुरुजी, प्रिंसिपल। ये पूरा गार्डन का। चलो। चलो ना। भाई जब। ये कब बना था गार्डन? आसान हो गया अभी यहाँ। अजय भाई को बोलना अभी डबल कैमरा हैंडल करता हूँ मैं। आ जाओ धर्म भाई यार, क्या टीके लगाया क्यों? जय श्री राम। जय श्री राम। आइए भैया। हाँ अमृत भैया। हाँ हाँ आइए आइए आइए। मैडम मैडम आइए आइए आइए। राज साहब आ जाइए। मैडम कितना आइए। गुप्त नवरात्रि भी है पहला दिन, देखिए संभालिए। सुनो भैया। हाँ आइए आइए। ओ सुनील भैया आइए आगे आइए भैया। हाँ उधर से मट्टी डालो, इधर हट जाओ महाराज। इधर है ना महाराज, उधर आइए ना पीछे साइड। हाँ मैडम को थोड़ा सा पानी का बुलाएंगे क्या? पंडित जी पानी का कहाँ है? गुरुजी पानी दीजिए ना। वो आता ना स्प्रे वाला जो सो महाराज महाराज भैया यार देखिए महाराज हाँ देखिए देखिए अरे अरे बाप रे जो आ रहा हट जाए वो कर देंगे मैम को दे दीजिए। थोड़ा सा उठाइए वो निकल जाएगा पन्नी और नीचे हाथ लगा लीजिए। पॉलिथीन निकाल लीजिए। पॉलिथीन निकाल लो। पॉलिथीन निकाल लो। ठीक है संजय हाथ से डालो। मैडम जो आज नारी के नारी शक्ति पूनम गार्डन में आ गया और जिस तरीके से पानी लिया पूनम गार्डन में बहुत ही दो नगर सेवक मिलके जिस तरीके से आज इस फावड़ा नहीं लगा रहे हो क्या? ना बात है हमारे भोजपुरी के इसके साथ है भोजपुरी के इंसान प्यारो इसके अलावा मीरा भाईंदर के
नारी शक्ति, जिनको नारी शक्ति कहते हैं मैडम, बाबा सभी की दिनों में जिसको कोविन काल में जिस तरीके से काम किया है। चलो लगाओ, बर्थडे के दिन तुमको पेड़ लगाना चाहिए। उल्टा केक लगा दी ग्रीन सिनेमा के हमारे आप लोग लगा दीजिए गुरु जी। चलिए राजू भी है, हाथ थोड़ा सा नीचे, सबका चेहरा आना चाहिए। देखो देखो भैया, भैया कल्याण जी आइए साहब, कल्याण सर आइए। जय श्री राम। चलिए बोलिए हर 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बिस्मिल्लाह साईनाथ महाराज की जय। भैया थोड़ा सा हाथ से मटी डाल दीजिए ना, कार्यक्रम संपन्न। ये नीम का पेड़ है। अरे आज नवरात्रि में तो आम का लग रहा है। भैया थोड़ा सा पीछे ना भैया। देव जी, देव सर सामने आइए। भैया आप लोग आइए, सब लोग आइए। आओ ना, मीरा रोड के इस प्रख्यात गार्डन में सभी के सभी आए हुए हैं। चलिए एक के बाद एक लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्यों ये सोचा। मैम सबसे पहले प्लीज आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम नीला सोन्स है, मैं प्रभाग 18 जिस गार्डन में आप हैं वहाँ की नगर सेविका हूँ। और हमें आप ये कह सकते हैं ये मौका मिला, ये सौभाग्य मिला कि हम अपने प्रभाग में 3 गार्डन लोगों के लिए बना सकें। क्या बात है। और आपके साथ भोजपुरी के कलाकार भी यहाँ इस समय मौजूद हैं, इसके अलावा आपके सहनगर से। ठीक, मैं यहाँ का स्थानीय नगर सेवक हूँ। और यहाँ पर हमने देखा वृक्षारोपण चल रहा है, भोजपुरी सिनेमा के कलाकार भी आए हैं, आप भी खुद उत्तर यूपी से ही हैं, तो एक अपनापन जैसा फील होता है, एक साथ मिलकर के यहाँ काम करना होता है, क्या चलता है ऐसे टाइम पे जहन में आपकी, जब लोग इकट्ठा होते हैं। दर्शक हमारे यूपी बिहार के भी एक्टर एक्ट्रेस बहुत होते हैं, एक सवाल उनसे जुड़ा हुआ कि भोजपुरी कलाकार मुझे लगता है 60-70% मेरा में रहते हैं मेरा रोड में, आपके पास कभी हेल्प मांगने आते हैं या फिर किस तरीके से आप उनकी हेल्प करते हैं या फिर कितने ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं? अब लगाओ यहाँ पे, देखें सब में कैमरा लगा लीजिए। ना 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 सब में एक एक फील करके कल आइए। मैडम आप ये, हाँ ये फोटो में ये जरूर, ये ये तो जाएगा, तो ग्लैमर होना चाहिए। बैंड बज रहा Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.